हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी चैप्टर वन क्लास नाइन आईटी का चैप्टर वन दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स वन, चैप्टर टू सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वन, चैप्टर थ्री बेसिक आईसीटी स्किल्स एंड चैप्टर फाइव ग्रीन स्किल्स एंड चैप्टर एट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का जो सब्जेक्टिव रिलेटिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। MCQs क्वेश्चन के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका 24 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आएगा और 26 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। जैसा CBSE बोर्ड में वही पैटर्न से फॉलो होगा, उस तरह से एग्जाम में आएगा। तो ये याद रखना है, 24 मार्क्स का MCQ आएगा और 26 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 24 मार्क्स में भी कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्टिव 26 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उस समय जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन द कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने कुछ MCQs को कवर किया है, तो आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें से कौन जो है ऑप्शन आप देखोगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नहीं, तो यहाँ चार ऑप्शन है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका साइन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसीलिए मैंने लिखा है, बार बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड, है ना, वो मीन जिससे मैसेज सेंट होता है ना, द मीन्स बाय विच मैसेज इज सेंट, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं। कम्युनिकेशन वाला चैप्टर अगर आप देखोगे तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको चैनल बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फोन। अगर आप इंफॉर्मेशन फोन पे रिसीव करते हो तो किस फॉर्म में रिसीव करोगे, तो चार ऑप्शन दिया हुआ, स्पीकिंग, लिसनिंग, है ना, तो ये आपका लिसनिंग हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी वो मैं बता रहा हूँ, मेरा गेस है जो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे टाइम जो है वो एलिमेंट नहीं होगा, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडियम या चैनल होता है, टाइम नहीं होता। कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है। डैश इज ए टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, वर्बल कम्युनिकेशन का, तो वन और टू दोनों होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ चारों ऑप्शन मैंने लिख दिया, फर्स्ट में ओरल है, सेकंड में रिटन है, थर्ड में बॉडी लैंग्वेज है, फोर्थ में बोथ वन एंड टू, तो बोथ वन एंड टू जो है दैट इज ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, यहाँ चार ऑप्शन दिया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, ऑल ऑफ दिस, तो सारा होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल ऑफ, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, तो ये क्वेश्चन मैंने काट दिया, इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे अभी, तो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन तक ही है, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, ऑल ऑफ द एबव, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर तीनों आता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव। 8 नंबर क्वेश्चन को क्रॉस कर रहा हूँ, ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अभी देखिए इंग्लिश में नाउंस, सेंटेंस है ना, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब्स, ये सब का भी कुछ क्वेश्चन आता है। तो यहाँ जैसे MCQ में मैंने एक क्वेश्चन लिया, कभी कभी पूछा है ये क्वेश्चन, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, तो इसमें बोल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या होगा, द चिल्ड्रन। देन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटर, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। अब तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए जो बाद में रहता है दैट इज फुटबॉल हो गया। डैश इज नॉट वन ऑफ द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो कैरेक्टर नहीं होता। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, में क्या डिफरेंस। तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या, वर्बल स्पोकन वर्ड्स का यूज करता है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डू नॉट यूज एनी स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। या दिस कम्युनिकेशन इज थ्रू गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वन ऑन वन ओवर द फोन और इन ग्रुप मीटिंग्स को इंक्लूड करता है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वन टू वन भी हो सकता है, फोन पे भी हो सकता है ना, ग्रुप मीटिंग्स भी वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा।
लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, जितना भी बॉडी लैंग्वेज है स्पीकर का वो क्या इंक्लूड करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, एक 4 मार्क्स वाला आता है। अभी किस पे आएगा डिपेंड करता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेंडर दैट हु क्रिएट द मैसेज या हु वांट्स टू कन्वे द मैसेज लिख सकते हो। आइडिया हो गया, आइडिया इज द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज, जो सब्जेक्ट आप लिखते हो मैसेज का दैट इज आइडिया। इनकोडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड इनटू सिंबल्स। जब आप मैसेज को किस में कन्वर्ट करते हो, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। और इसी सिंबॉलिक फॉर्म को जब वापस से आप किस में कन्वर्ट करोगे, ओरिजिनल फॉर्म में, तो दैट इज नोन एज डिकोडिंग। यही देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनकोडेड मैसेज इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड डिकोडिंग। थर्ड एलिमेंट हो गया, फोर्थ है कम्युनिकेशन चैनल। द चैनल इज द मीडियम और मीन्स थ्रू विच द इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। चैनल क्या है आपका, ये वो मीडिया है या मीडियम है जिसमें आपका इनकोडेड मैसेज जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके बाद है रिसीवर, रिसीवर हु रिसीव्स द मैसेज, है ना, जो रिसीव करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है। फीडबैक क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द रिसीवर हैज रिसीव्ड द मैसेज। फीडबैक में पता चलता है कि रिसीवर ने मैसेज को रिसीव कर लिया और अंडरस्टूड इन द सेम सेंस एज सेंडर मीन इट, और उस सेंस में ही समझाया जिस सेंस में सेंडर ने भेजा है। ये फीडबैक है, ये क्लास 10 के लिए भी है, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल हो गया स्पोकन वर्ड्स यूज यहाँ पे होता है, और रिटन कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, है ना। एंड ओरल कम्युनिकेशन स्पीडी होता है, रिटन कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, स्लो होता है। नो रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर, कोई रिकॉर्ड या प्रूफ नहीं होता ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि बोला हुआ बात का कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन का क्या होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन और प्रेजेंट। तो इसमें एक और डिफरेंस है, आप इस जगह पे नो रिकॉर्ड वाला जो है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉट अवेलेबल या प्रूफ ऑफ द कम्युनिकेशन इज अवेलेबल, ये भी लिख सकते हैं। तो मैं जो बोलता हूँ उसको भी आप सुन करके याद कर सकते हो। इमीडिएट फीडबैक कैन बी गिवन, यहाँ मिल सकता है तुरंत फीडबैक ओरल का, लेकिन यहाँ फीडबैक लेने में टाइम लगता है रिटन वाले। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वी कैन से द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट, ओपिनियंस, नॉलेज एंड डेटा, सो दैट द मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड विद द क्लैरिटी एंड पर्पस। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ आइडियाज और थॉट को सही तरीके से, है ना, किसी बात को सही तरीके से रिसीव कर लिया जाए, है ना, विद क्लैरिटी एंड पर्पस के साथ, तो दैट इज नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सॉरी इफेक्टिव नहीं, आप पर्सपेक्टिव होगा, मैंने फिर से लिख दिया इफेक्टिव, यहाँ थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे, आप पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, है ना, एक मिनट, पर्सपेक्टिव आप लिखेंगे कम्युनिकेशन में, ये इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, ये कहा गया टेक्स्ट बॉक्स, ये थोड़ा सा ठीक कर देते हैं अभी, ये जो है यहाँ पे पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे, पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन को। ओके, यहाँ पे आप देख लेंगे पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट जरूर कर ले कि यहाँ पे जो आएगा वो पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन, अब आपको आगे में लिखना है। तो चलिए पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पर्सपेक्टिव इज द वे वी लुक एट थिंग्स, आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। हर एक इंसान का अपना तरीका होता है देखने का, हर एक पार्ट को, है ना। तो दैट इज नोन एज पर्सपेक्टिव, वो जो व्यू होता है टू सी द थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नोन एज पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन को,
नेक्स्ट, राइट डाउन द प्रोसेस अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। वो कौन कौन सा फैक्टर है जो पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला है आपका विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेजेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रिजुडाइसेस, फीलिंग्स, एनवायरनमेंट और कल्चर। ये कुछ फैक्टर है जो हमारा पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमिक्स। देखिए ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिर्फ डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ स्पेस विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। एकदम शॉर्ट में डिफिनेशन लिखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेसिक्स। काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इंक्लूडिंग पोस्चर, गेस्चर्स, है ना। बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड जितना भी हो दैट इज काइनेसिक्स कहलाता है। व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इट इज विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक फोटोग्राफी, साइंस, सिंबल एंड डिजाइंस, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर वन। अब हम लोग करते हैं चैप्टर टू पे आते हैं, ठीक है। चैप्टर टू है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इस पर हम लोग वर्क करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ मैनेजमेंट। तो यहाँ आप सेल्फ अवेयरनेस लिख सकते हो, सेल्फ कंट्रोल लिख सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लिख सकते हो, है ना। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन लिख सकते हो। अब कभी कभी इन लोगों का क्या होता है, फैक्टर में ही अगर आप पढ़ोगे तो अब यहाँ पे कभी कभी इनका डिफिनीशन भी पूछता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा किया है कि आपको डिफिनीशन भी याद हो जाए साथ। तो यहाँ देखिए ऐसा क्वेश्चन लिया है कि फैक्टर्स के साथ साथ आपका डिफिनीशन भी हो जाए। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, दैट मीन्स नोइंग योर सेल्फ, द स्टडी वी वर्क और स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, बिहेवियर्स एंड प्रेफरेंस इज बेसिकली द सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में आपका क्या, आपका स्ट्रेंथ है क्या, वीकनेस कैसा, आपका बिहेवियर है, हाउ वी वर्क, है द वे वी वर्क, आप कैसे वर्क को करते हो, अवेयर होते। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, एबिलिटी टू मैनेज आवर एक्शंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप अपने एक्शंस, फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। इसको हम लोग सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। सेल्फ कंट्रोल एबिलिटी तो ये तो बता ही दिए। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इज एन एटीट्यूड दैट अलाउज पीपल टू हैव पॉजिटिव रियलिस्टिक व्यूज ऑफ देमसेल्फ एंड सिचुएशन दैट इन्वॉल्व। आपको अपने आप पे, आपके एटीट्यूड पे आप किस तरह से पॉजिटिवली रियलिस्टिक बिहेव कर रहे हो, है ना। आपका क्या रियलिस्टिक व्यू है ऑफ योर सेल्फ, कि किसी भी पार्ट में अगर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में आप अगर फंस गए तो वहाँ पे आपका डिसीजन क्या होगा, आप में कितना कॉन्फिडेंस है ना खुद पे, ना कि आप दूसरे पे डिपेंड करें। क्या एटीट्यूड ऐसे लिखा गया है दैट अलाउ द पीपल टू हैव पॉजिटिव, आप कितने पॉजिटिव होकर किसी वर्क को करते हैं कॉन्फिडेंटली, दैट सिचुएशन इन्वॉल्व सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, इज द इनर फोर्स दैट ड्राइव अस टू डू थिंग्स, है ना। ये एक अंदरूनी ताकत होता है जिससे हम लोग किसी चीज को करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट। इट इज द प्रोसेस बाय विच वी मैनेज आवर सेल्फ एंड डू द डेली टास्क और कोऑर्डिनेट अमंग द सक्सेसफुली, है ना। टाइम मैनेजमेंट में क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने काम को, अपने दिन भर के टास्क को कोऑर्डिनेट करते हैं, टास्क को कंप्लीट करते हैं, सो दैट वी विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। यहाँ टाइम मैनेजमेंट हो गया। राइट एनी फाइव फैक्टर दैट हेल्प इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन हो गया। रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी। एक्सपीरियंस, सेटअप, गोल्स। ये सब पांच फैक्टर है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में आपको हेल्प करेगा, है ना। आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पहले रिकॉग्नाइज करना होगा, प्लानिंग करना होगा किसी काम को करने के लिए। गेट रीड ऑफ निगेटिव, निगेटिव पॉइंट पे नहीं जाना होगा। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। और सेटअप गोल्स, गोल आपका सेटअप होना चाहिए, तभी आप में ये सारा फैक्टर जब रहेगा तब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट है राइट एनी फोर क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल का अगर देखा जाए तो सेल्फ बिलीव, खुद पे बिलीव होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड और कमिटमेंट। ये चार चीज होना चाहिए अगर आप क्या चाहते हो, यू बे सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, पॉइंट को अपने लाइन में एक्सप्लेन कर लीजिएगा।
लिस्ट यानी फाइव सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मोटिवेशन, ये सारा कुछ बताया हुआ है, इसको आप माइंड में याद कर लो। चैप्टर 3 बेसिक आईसीटी स्किल्स। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ए स्मार्टफोन एंड ए टैबलेट। तो स्मार्टफोन इज ए सेल फोन दैट अलाउ अस टू मेक फोन कॉल्स एंड सेंड टेक्स्ट मैसेज, तो सब कोई जानता है। साइज इज स्मॉलर देन टैबलेट। और टैबलेट क्या होता है, एक वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर होता है, साइज इज लार्जर देन स्मार्टफोन। ठीक है, अगर डिफरेंस आता है तो आप ये छोटा सा डिफिनेशन लिख के मार्क्स पा सकते हैं। गिव एनी टू यूजर्स ऑफ आईसीटी एट होम, तो ऑनलाइन बुकिंग एंड सोशल मीडिया वेबसाइट। थ्री यूजर्स ऑफ इंटरनेट का अगर देखें तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन में, ऑनलाइन शॉपिंग में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तीन जगहों पर इंटरनेट का हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट सम डिफरेंसेज बिटवीन रैम एंड रोम, अगर आएगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, शॉर्ट में लिखना, टेम्प्ररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, हाई स्पीड, लो स्पीड, ये शॉर्ट में आप इस तरह से आंसर को याद कर सकते हैं। मैंने छोटा कर दिया, आपको एक बार में याद हो जाए, आप लिख सकते हो आंसर को। व्हाट इज ईमेल, राइट वन एडवांटेज ऑफ ईमेल एंड वन लिमिटेशन ऑफ ईमेल। तो ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज नोन एज ईमेल। एडवांटेज देखेंगे तो वेरी फास्ट होता है, सेव करता है टाइम। लिमिटेशन है क्या है, ये डिस्ट्रैक्ट करता है एंड कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग प्रोडक्टिव वर्क, प्रोडक्टिव वर्क करने में रोकता है ईमेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर अगर पूछता है मे बी, तो इसमें आप स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी है क्वेश्चन, जैसे आप इस चैप्टर का देखेंगे तो पढ़ लेना, जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर में बताया है, इसको पढ़ के चल जाना एक बार, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो इसमें कवर कर रहा हूँ सारा चैप्टर जो भी है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका MCQ में भी आ सकता है। ICT इज द टेक्नोलॉजी यूज इन द कन्वेइंग, मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, स्मार्टफोन, टैबलेट बता दिया है मैंने। कंप्यूटर क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हार्डवेयर क्या होता है, ये देख लेना, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम लाइक ए प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइस, मॉनिटर, कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड बाय द हार्डवेयर रिसोर्सेज टू फंक्शन प्रॉपरली, तक एग्जाम्पल जरूर कर लेना सॉफ्टवेयर का। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ALU करता है, ना ALU परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। इसी तरह मेमोरी क्या होता है, दैट प्रोवाइड नेसेसरी स्टोरेज स्पेस फॉर प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो MCQ में आप ध्यान रखना, ये वोलेटाइल किसको बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल किसको बोलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज ड्यू टू द लिमिटेड साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी बनाया गया। अब इनपुट डिवाइसेस में देखिए, कीबोर्ड क्या होता है, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर टेक्स्ट, नंबर्स एंड अदर कमांड्स। एडवांटेज वगैरह, डिसएडवांटेज वगैरह बुक में दिया हुआ, तो एक बार एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ लेना। माउस का क्या फंक्शन होता है पढ़ लेना, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड परफॉर्म फंक्शंस लाइक सेलेक्टिंग आइटम्स और ओपनिंग प्रोग्राम्स। लाइट पेन क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज़ यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेनू आइटम और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर। जॉयस्टिक इज अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू प्ले गेम्स और कंट्रोल थिंग्स ऑन ए कंप्यूटर, तक एक एक बार पढ़ लेना। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है दैट कैप्चर्स डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोग्राफ्स एंड टेक्स्ट। MSR मैग्नेटिक स्ट्रिप मॉनिटर एक डिवाइस है यूज टू रीड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स फाउंड ऑन वेरियस कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड एंड मेंबरशिप कार्ड। वेब कैमरा, वेब कैम क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछता है। वेब कैम क्या होता है, एक डिजिटल कैमरा होता है दैट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर और मोबाइल फोन। इट इज डिजाइन टू कैप्चर वीडियो एंड ऑडियो इनपुट। डिजिटल कैमरा क्या होता है, रिकॉर्ड्स एंड स्टोर फोटोग्राफिक इमेजेस इन डिजिटल फॉर्म। आउटपुट डिवाइस है तो सब जानते ही, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट डिस्प्ले प्रेजेंट और कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर एंड अदर डिवाइस। मॉनिटर क्या होता है, इट इज द आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले द वीडियो एंड ग्राफिक इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर थ्रू द वीडियो कॉल। ये सब एक एक वर्ड एक बार पढ़ लेना। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, है ना। CRT मॉनिटर जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फुलफॉर्म याद कर लेना। LED लाइट एमिटिंग डायोड। प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है जिसका काम होता है प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर डिफरेंस आता है तो इसको जरूर पढ़ लेना। क्रिएट्स पिक्चर एंड टेक बाय हीटिंग ए डिवाइस सच एज अ व्हील और प्रिंट हैमर अगेंस्ट इंक्ड कार्बन।
एंड इट क्रिएट द कैरेक्टर एंड पिक्चर ऑन द पेपर बाय नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। यहाँ मैकेनिकल प्रोसेस है या नॉन मैकेनिकल प्रोसेस? नहीं, मैकेनिकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ हीटिंग ए डिवाइस सच एज अ व्हील और पेंट हैमर अगेंस्ट एंड इंजिबल, और ये नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है यूजिंग हीट लेजर टेक्नोलॉजी और फोटोग्राफिक टेक्निक्स का यूज करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? टाइप ऑफ प्रिंटर दैट क्रिएट्स कैरेक्टर इमेजेस एंड पैटर्न बाय स्ट्राइकिंग ए सीरीज ऑफ टीनी पिंस अगेंस्ट द अगेंस्ट एन इंक रिबन। इंकजेट प्रिंटर देख लेना एक बार। लेजर प्रिंटर इज द टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस अ लेजर बीम टू क्रिएट टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन द पेपर, है ना? लेजर प्रिंटर देख लेना एक बार। प्लॉटर क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रिंटर होता है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट प्रिसाइज एंड डिटेल्ड ड्राइंग डायग्राम्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर और अदर मीडिया। स्पीकर तो आप ये लिख लोगे। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? इट इज़ अ राउंड फ्लैट पीस ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोटेड एट मैग्नेटिक साइड। हार्ड डिस्क के बारे में आप जानते ही हो क्या काम होता है। सीडी रोम का भी बारे में जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, ये याद रखना, एमसीक्यू में घुमा के देता है। डिजिटल वीडियो डिस्क, रीड ऑनली मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पेन ड्राइव तो जानते ही आप। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना। द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड होल्डर। वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम जस्ट बिकॉज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये सोल भी कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम का। इसका फंक्शन होता है फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तो एक बार देख लेना फंक्शंस भी ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वाज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IBM पर्सनल ड्यूरिंग 1980s। यहाँ सब क्वेश्चंस वगैरह और भी दिया हुआ है, तो सब देख लीजिएगा। वेब पेजेस, सर्च इंजन पढ़ लेना। इट इज़ एन इंटरएक्टिव टूल टू हेल्प पीपल लोकेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। बाकी सब तो किया ही हुआ है आपका। वेब ब्राउजर का डेफिनेशन देख लेना। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू फाइंड एंड व्यू वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। इट अलाउ द यूजर टू लोकेट एंड एज अ डिस्प्ले वेब पेजेस। व्हाट इज़ द शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड? अब यहाँ पे आप देखिए, इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताएंगे क्या होगा। चैप्टर 5 पे अब हम लोग आते हैं, दैट इज ग्रीन स्किल्स। इसका क्वेश्चन आप कर लेना। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है? एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आप तो जानते हैं, लिविंग एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, लाइक एयर, वाटर और लैंड। आपका एबायोटिक हो गया, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्या होता है? रेफर्स टू मेजर टेकन कंजर्व मेंटेन और प्रिजर्व द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन क्या होता है? एम्स एट कीपिंग इट सेफ एंड हेल्दी। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का काम होता है कीप इट सेफ एंड हेल्दी। इट एम्स एट द रिडक्शन ऑफ, बेसिकली इसका काम होता है रिडक्शन, रिड्यूस करने क्या, ओवर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जो ज़्यादा हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करना, उसको रिड्यूस करना, रिडक्शन करना। ग्रीन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमी द एम्स एट रिड्यूसिंग एनवायरमेंट रिस्क, है ना। ग्रीन इकोनॉमी क्या करता है? जो एनवायरमेंटल रिस्क है उसको कम करता है, और इसका काम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करेगा विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट का गिराए बिना, खराब किए बिना ये क्या करता है? इम्प्रूव, मतलब आपको यूज़ करने लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है दैट एम्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब कि प्रेजेंट को तो यूज करना, लेकिन इस तरह से प्रेजेंट में आपको जीना है और चीज़ों को यूज़ करना है उसको, जिससे फ्यूचर आपका किसी तरह का फ्यूचर में उसका रिस्क ना हो, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट आर द 5 सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसी तरह यहाँ एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स। ग्रीन स्किल्स यूज फॉर प्रोमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी को ग्रीन स्किल्स बोलते हैं, एक वर्ड में लिख सकते, लाइन में लिख सकते हैं। फैक्टर कॉज इम्बैलेंस टू द इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, लैंड क्लिंग, डिफॉरेस्टेशन, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, है ना, ये सब कर लेना। और इकोसिस्टम तो आप डिफिनेशन जानते ही होंगे कि इकोसिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है। इकोसिस्टम क्या? ग्रुप ऑफ प्लांट, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव इज नोन एज द इकोसिस्टम। इसके अंदर भी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये आपका टर्म्स है, इसको एक बार देख लेना। कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन इकोनॉमी का पढ़ लेना। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग्स, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी बताया मैंने। विद द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स दैट एम टू मीट द ह्यूमन नीड्स फॉर प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट सो दैट दीज नीड्स कैन बी मेट नॉट ओनली इन द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में ही नहीं बट ऑल्सो फॉर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट में यूज करना, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर का डिफरेंस देख सकते हो आप। टूल्स फॉर राइटिंग, वर्किंग विद प्लेन टेक्स्ट है, एनी प्रोग्राम थ्रू विच टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग लिख सकते हो। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज नॉट अवेलेबल, वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो अवेलेबल है।
तो शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आप एक बार नोट्स बना करके याद करके सुन करके लिख सकते हैं। डिफरेंट व्यूज़ अगर देखें तो यहाँ पे क्या क्या है, प्रिंट लेआउट व्यू है, डॉक्यूमेंट का फुल स्क्रीन व्यू है, वेब लेआउट व्यू है। प्रिंट लेआउट व्यू डिफॉल्ट व्यू होता है, ये एमसीक्यू में घुमा के दे सकता है। वेब लेआउट व्यू क्या होता है, व्यू वी कैन यूज द जूम स्लाइडर बट द लेआउट आइकन्स आर डिसेबल्ड। फुल स्क्रीन व्यू मोड द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड द एंटायर स्क्रीन में आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा। तो ये थोड़ा कर लेना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए डेफिनेशन के फॉर्म में एमसीक्यू आता है, इसको ध्यान रखना। मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग द टेक्स्ट इन आर डॉक्यूमेंट, अब कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग माउस भी कर सकते हैं, सेलेक्टिंग टेक्स्ट हम यूजिंग कीबोर्ड भी कर सकते हैं। हेडर फूटर का डिफरेंस अगर आएगा तो हेडर इज प्लेस इन द टॉप मार्जिन ऑफ ए पेज और फूटर आर प्लेस इन द बॉटम मार्जिन ऑफ द पेज। दोनों इंसर्ट मेनू से इंसर्ट हेडर इंसर्ट फूटर करते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों का डिफरेंस सिमिलैरिटी ये हो जाएगा दोनों इंसर्ट मेनू में, और हेडर में हम लोग क्या रखते हैं, चैप्टर का नाम, टाइटल है ना, ये सब हम लोग हेडर में रखते हैं। फूटर में बेसिकली हम लोग पेज नंबर रखते हैं। What do you mean by alignment? Alignment refers to the manner in which the left and right ends of the line text are aligned. है ना, लेफ्ट और राइट, ये देखिए अलाइनमेंट है, ये देखिए अभी हमारा जो कंटेंट है यहाँ लेफ्ट से राइट से जो भी कंटेंट मैंने लिखा सेंटर में लिखा, ठीक है। अगर अलाइनमेंट चाहे तो आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एल होता है। राइट करेंगे तो कंट्रोल प्लस आर होगा, सेंटर करोगे कंट्रोल प्लस सी होगा शॉर्टकट, जस्टिफाइड कंट्रोल प्लस जे। तो ये शॉर्टकट भी आप कर लेना, एमसीक्यू में घुमा फिरा के दे सकता है। What is the importance of password in the document? How will you protect the password using how will you protect the document using password in writing? Password is used for protecting a document, को protect करने के लिए हम लोग password use करते हैं। Steps की अगर देखें तो step कैसे करते हैं, file में जाते हैं, properties option में, फिर security tab में जाएंगे properties window का, फिर protect option में जाएंगे, फिर password window appear होगा, वहाँ पर password set करें। ना शॉर्टकट देख लिए, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का कंट्रोल प्लस हो, न्यू डॉक्यूमेंट का कंट्रोल प्लस एंड, शॉर्टकट किस कर लेना है एक बार जरूर याद से, कभी कभी आता है 2 मार्क्स पे, यह घुमा फिरा करके एमसीक्यू में दे सकता है। कंट्रोल प्लस है टू सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस सी टू कॉपी ए सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस है टू कट और मूव अ सेलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट अ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट। फिर भी गलती करते हो, ये कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट में। टेबल को कैसे शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस एफ12 देखिए, ये एमसीक्यू में आ चुका है। सेव का कंट्रोल प्लस एस, सेव एस का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। फाइंड एंड रिप्लेस का देखो, ये भी आ चुका है एग्जाम में, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7, थीसिस के लिए कंट्रोल प्लस F7। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर किस लिए यूज होता है, टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर इन ए डॉक्यूमेंट, है ना। इसी तरह हाइफनेशन का क्या होता है, अगर वर्ड जो है आप देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पर, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर यूटिलिटीज आर यूज टू चेक द ग्रामर एंड स्पेलिंग्स इन द डॉक्यूमेंट, है ना। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हाइफनेशन एक वर्ड लिखा है, इसको भी आप एक वर्ड में याद कर सकते हो, बुक में दिया है। रेफर्स टू स्प्लिटिंग ए वर्ड दैट वुड अदरवाइज एक्सटेंड बियॉन्ड द राइट मार्जिन। राइट मार्जिन के बाद अगर कोई वर्ड क्या खत्म हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड को क्या करेगा, हाइफनेशन ऑन रहने से ये वर्ड को स्प्लिट कर देगा, है ना। ये वर्ड को क्या कर देता है, दैट स्प्लिटिंग अ वर्ड दैट वुड अदरवाइज एक्सटेंड बियॉन्ड द राइट मार्जिन, राइट मार्जिन से ज़्यादा होगा तो ये क्या स्प्लिट कर देता है, दैट इज नोन एज हाइफनेशन। हम लोग लिखते हैं ना डैश देखिए, हेडर इंसर्ट मेनू में जाके हेडर ऑप्शन, अभी याद रखना। फूटर के लिए हम लोग इंसर्ट मेनू में फूटर ऑप्शन, ठीक है। देन फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड हेल्प्स अस टू लोकेट स्पेसिफिक टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, व्हाइल रिप्लेस हेल्प अस टू सब्स्टिट्यूट इट विद द न्यू टेक्स्ट, ठीक है। रिप्लेस का साथ कंट्रोल प्लस एच है, एक बार आप देख लेना उसको भी, और किस मेनू में मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस ये भी पूछता है कभी कभी, तो एडिट मेनू में मिलेगा आपको। ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इट इज़ यूज फॉर करेक्टिंग कॉमन स्पेलिंग्स एंड टाइपिंग एरर्स विच इट करेक्ट्स ऑटोमेटिकली, है ना। कॉमन स्पेलिंग्स होगा या टाइपिंग एरर्स होगा तो ऑटो करेक्ट अगर ऑन रहेगा, टूल्स मेनू में जाकर ऑटो करेक्ट ऑन कर दोगे तो वो उसको ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है, जैसे कि आपके मोबाइल में होता है। बाय डिफॉल्ट अगर एमसीक्यू में पूछेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन इनेबल्ड होता है तो बोला यस। बुलेट्स एंड नंबरिंग, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग तो किस मेनू में मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में मिलेगा आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन, ठीक है। बुलेट्स नंबरिंग तो सब जानते हैं। उसके बाद सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट पढ़ लेना, सब सुपर स्क्रिप्ट रेफर टू द नंबर दैट आर पोजिशन स्लाइटली हायर देन द टेक्स्ट ऑन द लाइन, एक्स का पावर 2, तो ये सब सुपर स्क्रिप्ट है, ऊपर रहेगा टेक्स्ट के ऊपर में रहेगा तो दैट इज सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट के नीचे जैसे H2O बेस में रहेगा, नीचे सब स्क्रिप्ट में रहेगा, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट रेफर टू द नंबर दैट आर पोजिशन स्लाइटली लोअर देन द टेक्स्ट ऑन द लाइन, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फॉर्मेट मेन्यू में कैरेक्टर ऑप्शन, फिर वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, सबस्क्रिप्ट का और सुपर स्क्रिप्ट का, दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। सबस्क्रिप्ट मिलेगा, सुपर स्क्रिप्ट दोनों का ऑप्शन, कैरेक्टर्स के अंदर फिर आप जाएंगे टैब में तो आगे आपको मिल जाएगा। ये आपका पोजीशन टैब में जाओगे, फिर वहाँ से सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा कीबोर्ड शॉर्टकट और देखिए, बिगिनिंग ऑफ द लाइन के लिए होम प्रेस करते हैं, एंड ऑफ द लाइन के लिए एंड, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस होम, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एंड। सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग माउस, डबल क्लिक करने से हम एक वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक वर्ड को अगर सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करेंगे, और पूरा पैराग्राफ अगर सेलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक। ये एमसीक्यू में पूछा था एक बार, तो इसको कर लेना। वर्ड के लिए डबल क्लिक करना होता है, पैराग्राफ के लिए ट्रिपल क्लिक। शॉर्टकट कीज एग्जिटिंग राइटर में कंट्रोल प्लस क्यू, फाइल एक्सटेंशन देखो राइटर का क्या होता है, डॉट ओडीटी, ये भी एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एम एस वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड स्टार आप लिख सकते। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 आईटी के लिए मैंने बता दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन मिला हुआ, राइट साइड बेल आइकन कर ले, आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।